मैंने सब्र किया, मानो मनान टूट गया, मैंने सब्र किया, सेहत अवसर हो गई, मैंने सब्र किया, खैनी में जिंदगी गुजारने लगा, मैंने सब्र किया, लेकिन ये क्या कि मेरी तरफ झूठ की नस्बत दी जा रही है। जिब्राइल अभी नाजुक हुए, जिब्राइल कहते हैं तुमने क्या कहा, फिर छुपाओ। हमें ये कहा Thank God.
मकसद के तहत
आपकी जिंदगी में आपको परेशानियां दे रहा है, बीमारियां दे रहा है, बला दे रहा है, मुसीबतें दे रहा है, तो इसका मतलब आपका कोई मकसद है। तो मकसद नहीं होगा तो खुदा को नहीं देता, छोड़ देता। नहीं, तुम्हारा मकसद ही नहीं है। हम कभी कभी दुनिया की रंगीनियों में इतना गुम हो जाते हैं कि खुदा बीमारियों की डोर डालकर अपनी तरफ खींच रहा हूं। खुदा कहां जा रहे हो? मैं भी तो हूं, मुझे क्यों बोल रहे? दुनिया की रंगीनियों ने इतना महत्व कर दिया कि तुम मुझे बोल रहे। बुजुर्ग आरिफ इस्माइल जुलाबी कहते हैं कि जब बला और मुसीबत तुम्हें घेर ले तो खुदा की बारगाह में जाकर दो एकड़ शुक्राने की नमाज ज्यादा पढ़ा करो और खुदा से पूछा करो कि महबूब मुझे क्यों बुला रहे। ये बला नहीं होती, खुदा की तरफ से बुलावा होता है। मेरी एक सीरीज है बलाओं में बंदगी, पांच मंजिल बलाओं में बंदगी, मौका मिलेगा तो यूट्यूब पर छोड़ने का। उसमें सिर्फ बंदगी को बला में दिखाया गया कि किस तरीके से खुदा की आदम बला में इंसान को मुगदना करता है ताकि वो बंदा हो सके। अलबत्ता इस सब के लिए नहीं है। बलाएं तीन तरह की होती हैं। हदीस है, यह हदीस का तर्जुमा सुना रहा हूं आपको ताकि बात किसी के जहन में गुमराह न रहे। बलाएं तीन तरह की होती हैं, तीन लोगों के लिए होती हैं। एक मतलब आप मुमकिन के लिए, मुमकिन के ऊपर जो बला आती है वो सजा होती है। एक मतलब आप मोमिन के लिए, मोमिन के लिए जो बला आती है वो इम्तहान होती है। और एक मरतबा बलिए खुदा के लिए, बलिए खुदा के लिए जो बला आती है उनके दर्जा की बुलंदी के लिए। हदीस का तर्जुमा आपके सबके बनाओ उसमें अलग अलग है। सलावत पढ़े कौन करो? इसका मतलब क्या है कि अब दिन भर जितने भी काम करना सब मेरी कुर्बत के लिए करना।